War on knees. War on knees. Yes. वार ऑन नीज, घुटनों के बल हम जो जंग लड़ते हैं उसके बारे बात करेंगे. द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6 वर्स 10. बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6 वर्स 10. डैनियल 6 एंड 10. यस. और जब दानियल ने मालूम किया कि उस निविष्टा पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया, और उसकी खिड़की का दरीचा यरूशलम की तरफ खुला था. वो दिन में 3 मर्तबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदावन खुदा के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा. शुक्रगुजारी करता रहा, उर्दू में इसका मतलब है दिस इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी इसकी जो हैबिट है ना, उसकी जो आदत है, कंटिन्यूस प्रेइंग ऑन नीज. ठीक है, घुटनों के बल बैठकर वो दिन में 3 बार. और जबूर में साम में लिखा हुआ है कि दाऊद बादशाह दिन में 7 बार वर्शिप करता था. 7 टाइम. ठीक है, 7 टाइम ही वर्शिप द लॉर्ड. वर्शिप और प्रे में जो बड़ा डिफरेंस है ना, वो ये है कि जब हम प्रे के लिए बैठते हैं तो वी कैन से नो नीड प्रेपरेशन, जस्ट बांस लिया या मुंह धोया बैठ के प्रे के लिए. बट व्हेन वी नीड वर्शिप, नीड ट्यून गिटार, नीड हारमोनियम, नीड तबला, नीड माइक चेक, लाइक दिस. इट मीन मोर टाइम टू प्रिपेयर फॉर वर्शिप. सो इस बात को आज हम समझेंगे, जानेंगे कि डैनियल ने जब देखा कि उस एक लेटर पे, एक फतूरे पे साइन हो गया है कि अब क्या होगा, दानियल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. बट ही डैम केयर, उसने कोई परवाह नहीं की, उसने कुछ सोचा नहीं है कि मेरे साथ क्या हो जाएगा. उसकी वजह चैप्टर 6 वर्स 1 पे आ जाएं, चैप्टर 6 वर्स 1 पे आ जाएं. और दारार को पसंद आया मुमलकत में 120 नाजम मुकरर करे. कितने? 120. कितने? 120. 120 लोग उसने चूज किए. फिर 120 के ऊपर 3 लोग उसने चूज करने थे एज अ मिनिस्टर. ठीक है, इन 120 के बाद 3 लोग, यानी उसने फिल्टर लगाया, फिल्टर, ही फिल्टर द पीपल. ठीक है, उसके बाद उसने 3 लोग और चुने हैं. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब किसका होता है? फाइनेंस का. नो डाउट ऑपरेशन का काम बहुत अच्छा होता है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम करता है, बट द मनी, इफ नो, देयर इज नो मनी, नो ऑपरेशन. एम आई राइट? सो सबसे अच्छा काम जो है ना, वो दिया उसको. उसकी वजह क्या है? पढ़े प्लीज दूसरी आयत में, वर्स 2. उनमें से 3 वजीर हों जिनमें से एक दानियल था, कि नाजम उनको हिसाब दें और बादशाह खसारत ना उठाए. मीन के बादशाह को लॉस नहीं होना चाहिए. अच्छा, अब यहां पे एक बड़ी खास बात मुझे समझ की आई है. व्हाई ही चूज डैनियल एज अ फाइनेंस मिनिस्टर? कोई किसी और मजहब से, किसी और परिवार से, किसी और फेथ से ही कैन चूज एज अ फाइनेंस मिनिस्टर? ये 2 लोग और साथ थे ना, 1 डैनियल था, 2 लोग और साथ थे. क्यों उसने डैनियल को चुना? ही विल बी अ फाइनेंस मिनिस्टर. क्यों बात? ये बात मैंने रात को, मैं जब मैं इसकी प्रेपरेशन कर रहा था तो एक बात मुझे समझ आई. टिल अभी तक पीपल ट्रस्ट जो लोग हैं ना, देखो जो गैर कौमें हैं ना, वो ट्रस्ट करती हैं This guy is a believer. He will not cheat. Yes. ठीक है? Correct. This guy is a believer. He or she will not cheat. Yes. ठीक है?
This is a witness. This is a testimony. This is a witness and great testimony for Daniel. क्योंकि प्रोवर्ब 16:7 में लिखा हुआ है, प्रोवर्ब इम्साल 16:7 में लिखा है कि जब इंसान की रवशें खुदावंद को पसंद आती हैं, उसके दुश्मन उसके दोस्त बन जाते हैं। इट मीन जब खुदा किसी इंसान को पसंद करता है, ठीक है, उसके बाद जैसे आई थिंक अब मैं आई फॉरगेट द रेफरेंस, एक जगह लिखा हुआ है कि तेरे दाएं हाथ 1,000 लोग आएंगे, ठीक है, और वो 1,000 ही गिर जाएंगे, तेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने इस बात को ऐसे सीखा है, वन मैन विद गॉड इज अ मेजॉरिटी, ठीक है, हाँ Psalm 91 में। तो अगर 1,000 लोग भी हमारे खिलाफ खड़े हैं और एक ही शरण खड़ा है सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 1,000 खड़े हैं हमारे खिलाफ, मेरे साथ या मैं शरण के साथ या आप साथ या आप साथ, हम किसी के साथ एक शख्स खड़ा ना, इट मीन वी आर मेजॉरिटी। बिकॉज जब दो लोग किसी बात के लिए मुत्तफिक होते हैं, Matthew 18:19-20 में लिखा है कि जीसस उनके बीच में आ जाते हैं, और सिर्फ आते नहीं हैं, आकर एक मौजजा भी करते हैं, मिरेकल, ग्रेट मिरेकल। सो पहली बात यह है, तब भी यही दौर था, अब भी यही दौर है, इंपॉर्टेंट जॉब जो है, इंपॉर्टेंट काम जो है, ऑलवेज गिव टू बिलीवर, इंपॉर्टेंट काम ऑलवेज गिव टू बिलीवर। सो हमें इस बात में शादमानी करनी चाहिए कि डैनियल को खुदा ने यरूशलम से निकाल कर बाबल में भेजा था। आप चैप्टर फर्स्ट पढ़े, इस लाइन चैप्टर फर्स्ट बात पढ़ना, यरूशलम से असीर हो क्या है बाबल। कभी कभी हमारी जो कैद है ना, हमारी असीरी जो है, हमारी कन्फाइनमेंट जो है, हम किस जगह पे हमें खुदा भेज देता है, बेशक हम उस जगह पे दुख उठाएं, लेकिन वो जो दुख है ना, फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, ठीक है। कभी कभी हमें फील होता है, मैं कहाँ पे फंस गया आके, मैं क्यों इस जगह पे आ गया, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, जो मेरे साथ और लोग हैं नफरत करते हैं, लेकिन गॉड हैज अ पर्पस। खुदा का उस सारे काम के अंदर एक खास मकसद होता है, और जब खुदा हमारे साथ होता है ना, हम कभी सोचते हैं कि खुदा ने मुझे छोड़ दिया। जैसे लास्ट टाइम किसी भाई ने मैसेज में बात की थी कि दो कदमों के निशान फिर चार कदमों के निशान, तो खुदा उस बंदे ने गिला किया, खुदावन जब मैं दुख में था आप मुझे छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब खुदा हमें किसी जगह से उठाकर किसी असीरी की जगह में, कैद की जगह में, तकलीफ में लेके आता है, तो पहले खुदा दूर से देखता है, फिर खुदा साथ बैठा होता है, साथ, बिल्कुल साथ, बिल्कुल साथ खुदा बैठा होता है। खुदा हमारी दुख को, खुदा हमारी परेशानी को, खुदा हमारी तकलीफ को देखकर आंखें बंद नहीं करता, बल्कि खुदा फिर पास, क्लोज टू अस, पूरा साथ साथ बैठ जाता है खुदा। खुदा हमें हिम्मत दिलाता है, आमीन। इसका मैं रेफरेंस दूंगा आपको, Matthew 26 में लिखा हुआ है, जब खुदावन यीशु मसीह इंतहाई करप की हालत में थे, एक फरिश्ता आसमान से उनको दिलासा दे रहा था, हालांकि खुदावन को जरूरत नहीं थी इस बात की। इवन देन, जब किसी भी हम सूरत हाल में, ऐसी सूरत हाल में होते हैं ना, जिसमें हमें हम फील कर रहे होते हैं वी आर इन डेंजर जोन और बड़ी क्रिटिकल स्टेज में होते हैं, तो खुदा हम वहां पर आ जाते हैं, आमीन। अच्छा, फिर डैनियल के अंदर एक सबसे बड़ी खूबी, verse 2 उसका लास्ट पोर्शन पढ़ें प्लीज, ना 3 का पहला पोर्शन पढ़ें, verse 3 पहला पोर्शन। चूंकि डैनियल में फाजल रूह थी, फाजल रूह, फाजल उर्दू में कहते हैं होली स्पिरिट, फॉर होली स्पिरिट, सबके अंदर रूह होती है, बट होली स्पिरिट ओनली फॉर बिलीवर्स। रूह सब में है ना, स्पिरिट सब में है, जो भी इंसान पैदा होता है उसके अंदर स्पिरिट है, ठीक है, बट होली स्पिरिट बिलीवर्स। ये चीज डैनियल के पास थी। अच्छा, जब मैं इसको समझ रहा था ना, तो मुझे एक बात बड़ी मजे की लगी,
फ्रॉम द बिगनिंग, आप जेनेसिस में पढ़ेंगे ना, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2 में लिखा है कि खुदा का रूह, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड होवरिंग अपॉन द वाटर, ठीक है, पानी की सतह के ऊपर जो है ना खुदा का पाक रूह जुम्बश करता है। और अगर आज जो पानी में जो वेव्स बनती है ना, ये पानी की कुदरत से नहीं है, दिस ऑल बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट। क्योंकि जो जेनेसिस में है वो क्या अभी जो क्या खुदा ने तब्दील कर दिया कि पहले तो खुदा का पाक रूह पानी के साथ जुम्बश करता था, आज क्या पानी अपने तौर पे जुम्बश कर रहा है? नो, कभी ऐसा नहीं हो सकता। जो जेनेसिस में था अभी भी सेम कंडीशन है। सो सबसे बड़ी खूबसूरत बात, पहली बात डैनियल के पास क्या थी कि खुदा का पाक रूह, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विद हिम, अपॉन हिम, उसके साथ, उसके अंदर, उसके ऊपर। क्योंकि डैनियल इज नॉट अ ऑर्डिनरी मैन, ही इज अ फाइनेंस मिनिस्टर। तो उसने अपनी इस पूरी जंग को लड़ने के लिए पहला काम उसके पास क्या, पहले एट्रीब्यूट उसके पास क्या है, उसके पास द पावर ऑफ होली स्पिरिट। फिर आप पीटर की बात करेंगे, जब एक्ट चैप्टर 2 जब देखते हैं ना, वर्स 36 से आगे जब हम पढ़ते हैं ना, चैप्टर 2 36 आगे जब ऑनवर्ड पढ़ते हैं, वही पत्रस जो, वही पीटर जो एक लौंडी से, एक पुलिस वाले से, एक सिपाही से डर के उसने खुदावंद का इनकार कर दिया था, वहां पर उसकी जिंदगी में कितना बड़ा काम हुआ। तो उसने दिलेरी से कहा, तुम यहूदियों ने, तुम रोमियों ने खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया। सो जो शख्स ही वर्क्स विद द पावर ऑफ होली स्पिरिट, उसकी जिंदगी के अंदर फिर फियर खत्म, खौफ खत्म, मायूसी खत्म, डर खत्म, मौत का जो खौफ है ना वो खत्म हो जाता है। सो इस सारे समा में उसका पहला एट्रीब्यूट क्या है, ही इज फिल्ड विद द पावर ऑफ होली स्पिरिट। और इस दौर में भी जो लोग पवित्र आत्मा के बगैर जिंदगी बसर करते हैं ना, पवित्र आत्मा को समझते नहीं है, जानते नहीं है। हमारे ऑफिस बहुत से लोग ऐसे हैं जो दे आर लाइक अ डम किस्म के लोग हैं, कभी चर्च नहीं जाते, कभी कोई फेलोशिप नहीं है। मैं उनकी शक्ल देख रहा रोज डेली मैं सोचता हूँ और मैं अपने मन में कहता हूँ कि लॉर्ड ये शख्स आईसीयू में है, इसको बाहर आना चाहिए। मैं डेली उनके लिए चर्च बैठ के दुआ करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनको पवित्र आत्मा का पता ही नहीं है। क्या पवित्र आत्मा क्या है, कुछ नहीं पता उनको। हाँ उनको ये पता है कि इंडियन क्या जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इतने जीबी की एक फिल्म है, इतने जीबी की एक मूवी है, ये उनको पता है। तो इसलिए लोग खौफ के अंदर क्यों हैं कि लोग लैक ऑफ द पावर ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की कुदरत के बगैर जब जिंदगी है ना, तो फिर लोग पिससे रहते हैं, दुख में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। दूसरी बात अब देखिए इसको, वर्ष 3 का आगे पढ़ेंगे। इसलिए वो वजीरों और नाजमों में सबकत ले गया और बादशाह ने चाहा कि तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। ही इज इन चार्ज ऑफ होल कंट्री, पूरे मुल्क का उसके पास क्या था, पूरा इख्तियार था, पावर था। और अगर आप जेनेसिस में पढ़ेंगे ना, तो जोसेफ के बारे में सेम लिखा हुआ है कि फिरौन उस टाइम के बादशाह ने उससे कहा कि मैं चूंकि बादशाह हूं, मैं बुजुर्ग हूं, सिर्फ मैं साइन करने के लिए हूं, बाकी पूरे मुल्क का जो इख्तियार है ना वो तेरे पास है। ये कहां लिखा हुआ है, 41 चैप्टर उसकी 41 वर्स में, ठीक है। फिरौन यूसुफ से कहा कि देख मैं तुझे सारे मुल्क का हाकम बनाता हूं, और फिरौन ने अपनी अंगुष्ठरी यानी जो रिंग होती है अपने हाथ से निकाल कर यूसुफ को पहना दी और उसे बारीक कतान का लिबास में दिया, रास्ता किया और गले में तौक डाला और उसने उसे एक उसे रथ में सवार करके उसके आगे आगे मुनादी कराई और घुटने टेको और कहो कि मिस्र का हाकम कौन है, जोसेफ, ठीक है। सो ही आल्सो फिल्ड विद द पावर ऑफ होली स्पिरिट, दैट वो खुदा के प्लान के मुताबिक था और खुदा ने उसको भी
अपने बाप के घर से निकाल कर पहले उसको गड़े में डाला, गड़े से उसको इस्माइलियों के हाथ बेचा, फिर वो मिस्र की गुलामी में गया, कैद में गया। वहां से खुदा ने उसको एज अ किंग बनाकर खड़ा कर दिया। आमीन। सो वार ऑन नीज, उसके लिए पहला पॉइंट ये है, कम ऑन नीज विद द पावर ऑफ होली स्पिरिट। फिर अगली जो बात है ना, ही इज अ ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट, हम अक्सर जब स्कूल में थे तो पढ़ते थे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हम किसी भी तरह से अपनी जिंदगी के अंदर जब डिसऑनेस्ट हो जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है? खुदा बात ध्यान शख्स को तो डिसऑनेस्ट उसको ध्यान नहीं करता। बॉस जो है, बॉस को पता चले ना कि इस बंदे ने मेरा एक रियाल या एक रुपया या एक डॉलर खा लिया है, ही विल नेवर ट्रस्ट, लाइफ टाइम वो ट्रस्ट नहीं करता। बेशक उससे पहले वो हजारों क्यों ना उस खा गया हो, अच्छे काम किए हों या हजारों खाए हों, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन उसको समझ आती है कि इस शख्स ने मेरा एक रियाल, एक डॉलर, एक रुपया, एक सिक्का खाया है, उसके बाद ट्रस्ट फिनिश, ठीक है। और फिर बाइबल में लिखा है, जो थोड़े में दयानदार है उसको ज्यादा शहरों का टैलेंट को पता, जो टैलेंट टैलेंट की बात है, एक के पास 5 टैलेंट थे, एक के पास 3 था, एक के पास 1 था। तो उस टैलेंट की बात है कि जब खुदा ने हमें एक खास काम के लिए रखा है, वी शुड बी ऑनेस्ट टू लॉर्ड, वी शुड ऑनेस्ट टू आवर बॉस, वी शुड ऑनेस्ट टू आवर फैमिली, वी शुड ऑनेस्ट टू आवर किड्स, वी शुड ऑनेस्ट टू आवर फेलोज। हर जगह पे हमें ऑनेस्ट होने की जरूरत है। उसके बाद फिर उसके अंदर कोई खता यानी ही ब्लेमलेस था। जब ये ब्लेमलेस की बात में पढ़ रहा था ना, तो एक इसके लिए एक हवाला देखें प्लीज, रेफरेंस देखें, बड़ी खूबसूरत बात है। मैथ्यू 27 में आ जाइए, मैथ्यू 27 में मुझे ना इसकी बड़ी खूबसूरत बात लगी कि इसको ब्लेमलेस कहा गया है। और आप मैथ्यू 27 की 22 पढ़े, 27:22। पिलातुस ने कहा, फिर मसीह को, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है, क्या करूं? सब ने कहा, इसको मसलूब कर दो। अब एक बादशाह खुदावंद यीशु मसीह के बारे में क्या कह रहा है ये सुने। उसने कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? इट मीन जीसस इज ब्लेमलेस। वो विटनेस कर रहा है, वो बता रहा है कि जीसस ब्लेमलेस है। क्यों मार रहे हो, क्यों क्रूसीफाई करते हो, क्या प्रॉब्लम है आपका? तो सेम ये बात अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट को पढ़े ना, तो डैनियल के बारे लिखा है कि वो उसके अंदर कोई खता या तकसीर यानी कि वो ब्लेमलेस शख्स था। पूरे उस टाइम में जो जितना उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, उस पूरे टाइम के अंदर उसने पूरी अच्छी सी इन क्या है, आउट क्या है, क्या आया है, क्या गया है, पूरे का पूरा एक एक सिक्के का उसने हिसाब किताब रखा हुआ था। जब ये सब चीजें एक बिलीवर शख्स काम करता है ना, फिर स्नैरियो डिफरेंट हो जाता है, स्नैरियो बहुत डिफरेंट होता है। फिर हर शख्स उस बिलीवर को मारने के लिए, सफा हस्ती से मिटाने के लिए कोशिश शुरू। सबसे पहला काम क्या होगा? शरोन है, मैं हूं, आप हैं, इसको किसी बड़े इंपॉर्टेंट काम के लिए फ्राइडे को भेज दो। पहला काम, जब प्रे का टाइम है, मैंने भी एक शख्स को मैसेज किया, मैंने कहा 5 बजे आ जाओ, कहता मेरी तो अस्टम दुआ होती है, तो मैंने कहा मेरी नहीं अस्टम दुआ होती, व्हाई शुड आई वेट फॉर यू, मेरी बात समझे ना। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि लोग आपको, मुझे, बिलीवर्स को, जो हमारा प्रभु के साथ रब्त है ना, कम्युनिकेशन, उस कम्युनिकेशन को ब्रेक करने के लिए काम करते हैं। कम्युनिकेशन ना रहे, ना बाप बाप से हो। जब एक इसकी मिसाल दूं कि
अभिषेक यहाँ पे सोए, आप उधर सो, उधर से परे परे दरवाजा हो, बाहर से निकल जाओ, आओ जाओ। अनुपम से अभिषेक से बात नहीं करनी पूरा दिन, महीना पूरा बात नहीं करनी। व्हाट यू विल फील, व्हाट ही विल फील, क्या गुजरेगी उस पर। तो जो कम्युनिकेशन को डिसकनेक्शन है ना, ये फिजिकली वॉरफेयर में भी सबसे पहला काम होता है। मैं एयरफोर्स में रहा हूं, मुझे पता है। सबसे पहले क्या काम करो, कम्युनिकेशन को डिसकनेक्ट कर दो। उसके बाद जो सोर्सेज होते हैं, रोड है या प्लेन्स हैं या शिप्स हैं, इनको ब्रेक कर दो। सप्लाई को ब्रेक कर दो। जब कम्युनिकेशन ब्रेक हमारी होती है, हमारी कम्युनिकेशन दुआ से होती है, दुआ को बंद कर दो, सोर्स क्या हो जाएगी, खत्म। जो ऊपर से मदद आती है, दाऊद कहता है ना कि मेरी हेल्प, मेरी मदद कहां से आएगी, फिर कहता है मेरे में तो खुदावन से है। जब खुदावन से कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाएगी, फिर सोर्स कहां से आएगी, हेल्प कहां से आएगी, फिर प्रोटेक्शन कहां से आएगी। तो इस शख्स ने ना तो अपने सोर्स को खत्म किया, ना अपनी कम्युनिकेशन को खत्म किया, ना इसने हेल्प को, जो डिस्कनेक्शन के वजह से हेल्प आनी थी उसको खत्म किया, इसने किसी चीज को मिसमैच होने नहीं दिया। जो पहले चलता था उसी के मुताबिक उसने अपना पूरा जो कम्युनिकेशन टू लॉर्ड है, कम्युनिकेशन टू खुदा के साथ रब्ता जो है, उसको उसने खत्म नहीं किया। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं ना, सब लोगों ने उसके खिलाफ फिर मजलिस की है, एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग की है। अभी भी लोग जूम पे मीटिंग करते हैं, अब तो बड़ा आसान है मीटिंग करना। बट कोई बात होती है ना, किसी भी जगह बात होती है, थक से उसका मैसेज इंडिया, अमेरिका, कनाडा, यहां से एक मिनट से पहले व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है, वो मैसेज आगे ट्रांसफर हो जाता है। अच्छी बात कभी ट्रांसफर नहीं होती, बुरा बात, नेगेटिव बात थक से, या जिसको हम कहते हैं ना बैक बाइटिंग की बात जो होती है, चुगलखोरी की बात होती है, वो जल्दी पहुंचती है। अगर हम ये कहें ना कि भाई ब्लेसिंग बैतेल में या फलां चर्च में आज दिस मैरेकल हैपन, वो कभी बात आगे नहीं जाएगी। ये बात हो ना कि आज इतने लोगों को पवित्र आत्मा ने छुआ है, ये बात आगे नहीं जाएगी। लेकिन आज ये कहे ना कि भाई खाना कम हो गया था, ये पूरे सऊदीया में पब्लिश हो जाएगा, आज ब्लेसिंग बैतेल में खाना कम हो गया था, पानी कम हो गया था। क्या उनकी यार अरेंजमेंट है, व्हाट अ मैनेजमेंट, क्या करते हैं, सोए होते लोग, पता ना तो लोग कैसे होते। तो इस सारे समा को जब डैनियल के लोगों ने, उसके मुखालफों ने देखा, तो उन्होंने क्या किया, एक जूम मीटिंग अरेंज की और सबको बताया कि इस शख्स को हम कैसे पकड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी दुआ बंद करो, इसका चर्च जाना बंद करो, इसका बाइबल पढ़ना बंद कर दो, इसको ऐसे तौर पे एडजस्ट करो कि बंकर्स हों, ये कहीं किसी एक छोटे से जगह पे लेटा हो, ऊपर भी लोग हो, नीचे भी लोग हो, आगे पीछे लोग हो, इसको इसका प्रे करना बंद कर दो। लेकिन उसने ऐसा काम नहीं किया, उसने अपने दुआ के काम को कंटिन्यू रखा। और जब ये सब कुछ करने के बाद बादशाह को समझ आई कि इसको शेरों की मांद में डालना है, फिर भी नहीं घबराया वो, उसके पास कॉन्फिडेंस था, गॉड विद मी, इमानुएल विद मी, और वो हमेशा हमारे साथ। फिर एक और बात करेंगे, फिर हम इन करेंगे, फर्स्ट पीटर 5:5-9, सबमिट देयरफॉर टू लॉर्ड एंड रेजिस्ट द डेविल। अपने आप को खुदावंद, पहला पत्रस 5:9, अपने आप को खुदावंद के ताबे कर दो। सबमिट योर सेल्फ टू गॉड नॉट टू मैन। आज पता क्या फॉर्मूला है, लोग आज सबमिट आर सेल्फ टू बॉस आर मैन नॉट टू गॉड। इंसान का जो खौफ है ना, प्रोवर्ब में लिखा हुआ है इमसाल में, इंसान का खौफ मौत पैदा करता है, खुदा का खौफ हिकमत पैदा करता है। Proverbs 1:7 लिखा है, खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। Proverbs 1:7 में लिखा है, खुदा का खौफ
हिकमत का शुरू है, लेकिन इंसान का जो खौफ है ना वो मौत पैदा करता है। तो पहला काम क्या करना है, सबमिट देयरफॉर टू लॉर्ड, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू, वो आपसे भाग जाएगा। साम 23 क्या लिखा है, खा मौत के साया की वादी में से भी तेरा गुजर हो तो किसी बला से नहीं डरेगा। फिर आप देखें दाऊद और जाते जुदियत, एक छोटा बच्चा और एक जो अपने अपनी अपनी पूरी जिंदगी में वो वॉरियर था, जाते जुदियत जिंदगी पूरी वॉरियर था, कैसे उसको मिल गया। ही वॉज अ शेपर्ड, और शेपर्ड का काम क्या है, भेड़ों को बचाना। शेपर्ड फोटोस्टेट है, खुदावंद यीशु मसीह का ट्रू कॉपी है शेपर्ड। इसलिए इस सारे समा को आज हम समराइज करेंगे सिर्फ 2 मिनट में। अगर हमारी जिंदगी में वी आर अ प्रेयर वॉरियर, अगर हम दुआ करने वाले लोग हैं ना, बाकी काम हमारे आगे चलते रहेंगे। पहला काम प्रे फॉर लाइफ, प्रे एंड दुआ कैसे करनी है, ऑलवेज प्रे ऑन नीज। आपकी अगर अच्छी सेहत है ना, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट नीड डाउन होना चाहिए, 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, नो इशू, बट वी हैव टू नील डाउन, नील डाउन होना है। इसका नील डाउन का मतलब पता क्या है, वी सबमिट आवर सेल्फ टू लॉर्ड। फिर कहीं लिखा होता है खड़े होकर दुआ करनी है, ये भी ठीक बात है, कलाम में लिखा है, लिखा कलाम में खड़े होकर दुआ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग वी हैव टू नील डाउन, नील डाउन होना है। फिर उसका उसका इतना एक बड़ा बड़ा और पॉजिटिव फायदा है, पर जो मसल्स है ना जो स्ट्रेच हुए होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, वो आदी हो जाते हैं काम करने के लिए। फिर उसके बाद जब ये सब चीजें हो गई, लोग जमा हुए, आप वर्स 11 पढ़े प्लीज, चैप्टर 6 वर्स 11, डैनियल चैप्टर 6 वर्स 11, लोग जमा हुए और दानियल अपने खुदावंद के हुजूर दुआ और इल्तमास कर रहा था। He continues praying and interceding. अब ये इल्तमास का मतलब है कि वो इंटरसीड कर रहा है। इंटरसीड मीन कि उसको ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं तो बच जाऊंगा, इनके साथ क्या होगा। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, अय बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। इसी सिनेरियो के अंदर डैनियल रह कर उन लोगों के लिए दुआ कर रहा है कि मुझे तो पता मैं बच जाऊंगा, इनका क्या हाल होगा मेरे बचने के बाद। वो फिर भी वहां पे क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है, उनके लिए इंटरसीड कर रहा है, उनको खुदावंद यीशु मसीह के लहू में छुपा रहा है कि बाप प्लीज इन पे रहम कर दे इन पे, ताकि मेरे बाद जो इनका हशर होगा वो। और फिर वही यही हुआ है, जब हम पूरे चैप्टर 6 को पढ़ते हैं ना, तो जब डैनियल बच गया तो बादशाह ने कहा कि जिन्होंने इसको बांध के डाला था ना, उनको बुलाओ, उनके परिवार को बुलाओ, उनके बच्चों को बुलाओ, उनके पूरे परिवार को बुलाओ, और उनको कहाँ डाल दो, शेरों की मांग। उनके साथ फिर क्या हुआ, हड्डियां भी टूट गई। सो आज हम शॉर्ट टाइम के लिए एक शॉर्ट मैसेज है, ब्रीफ मैसेज नहीं है, शॉर्ट मैसेज है। हम अगर कोई वारफेयर फील कर रहे हैं ना, तो फिर उसमें सीजलेसली दुआ करनी है, सीजलेसली प्रे करना है, रुकना नहीं कहीं। जैसे हन्ना ने दुआ की थी, शी डोंट हैव अ चाइल्ड, कोई बात नहीं तो उसके पास नहीं थी, क्या उसने अपनी दुआ को बंद कर दिया। फिर लूक चैप्टर 18 में एक बेवा विडो था, विडो बेवा शख्स बेवा औरत थी, वो कंटिन्यूस वो उसकी रिक्वेस्ट करती रही। फाइनल में सुना गया। सो व्हाट आई लर्न फ्रॉम आवर चर्च और माय पर्सनल लाइफ, सीजलेसली प्रेइंग, बोलते रहना खुदा को, बोलते रहना। ये नहीं कि हमारा खुदा सुनता नहीं है या हमारा खुदा बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है हमें अपनी ड्यूटी करनी है, प्रभु को अपना काम करने दें जब तक मिल ना जाए। मैथ्यू सैमसन पता क्या लिखा हुआ है, आस्क टिल यू रिसीव,
आस टिल यू रिसीव, जब तक मिल नहीं जाता, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। बेशक आपकी दुआ इन बच्चों को जबानी याद हो गई हो कि अंकल ने कल भी ये दुआ की थी, आज फिर यही दुआ है, कल भी पिछले महीने ये दुआ थी, आज फिर दुआ है, उससे पिछले महीने दुआ थी, आज फिर दुआ है। इट मीन आस्क टिल यू रिसीव, जब तक मिल नहीं जाता, और जब तक मिल नहीं जाता कंटिन्यूस नॉक गो टू लॉर्ड गो टू लॉर्ड गो टू लॉर्ड गो टू लॉर्ड कंटिन्यूस गो देन आखिर में क्या करना है, जब मिल जाए तो फिर खुशी से कहना है थैंक यू लॉर्ड यू हर्ड माई प्रेस, मेरी बात आपने सुन ली है। और ये एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर का एक प्रोसेस है, और जो शख्स स्पिरिचुअल वॉरफेयर में होता है उसका टाइम जो है ना होता लंबा है, उसका टाइम लंबा होता है, छोटा टाइम उसका होता, सच्ची बात है, उसका टाइम लंबा होता है। फिर जितना उसका लंबा टाइम होता है ना उससे लंबी ब्लेसिंग होती है, इन्फिनिटी ब्लेसिंग उसकी होती है, इन्फिनिटी 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 ब्लेसिंग उसके पास होती है। बाप इब्राहिम को देख लें आप, ही वेटेड 25 years, फिर बेटा मिला, फिर बेटा खुदा ने मांग लिया दे दे मुझे वापस कर दे, ऐसे ऐसे लिखा ना चैप्टर 2 में, बेटा मिला 25 years के बाद, बेटा क्या बोला फिर मुझे वापस कर दे, यही बात है ना, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट यही बात है वहां पे। लेकिन उसने वहां पे भी उसने सीजलेसली ही वेटेड टू लॉर्ड, सीजलेसली एक लम्हा भी उसने उसमें गैप नहीं आन दिया, उसका वीक ऑफ नहीं था, उसका सैटरडे ऑफ भी नहीं था, ना फ्राइडे ऑफ ना सैटरडे ऑफ, उसका कोई ऑफ गैप था ही नहीं। तो सारे समा में उसने he waited, जब उसको मिल गया तो फिर क्या कहा, ऐसा ईमान किसी के पास नहीं है, ईमानदारों का बाप लिखा हुआ है। सो आज हम सब मिलके जो हम सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, मेरे लिए बात है, आप सब के लिए बात है, अभिषेक के लिए बात है, वार ऑन नीज। रात मैंने ये मैसेज रिकॉर्ड किया, उसकी वॉइस नहीं आई, फिर मैंने डिलीट कर दिया। मैंने ये मैसेज रात को किया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। सो आज हम इस थोड़े समा को समझें, सीजलेसली प्रेइंग इज विन अ रेस, सीजलेसली प्रेइंग, जैसे पत्रस कैद खाना में दुआ कर रहा था, पौलुस रसूल कैद खाना में दुआ करता है, वो जहाँ जाता है वो एक ही बात कहता है, मेरी मानद बनो जैसा मैं प्रभु यीशु मसीह की मानद हूँ, प्रभु यीशु मसीह की मानद हूँ। इसका मतलब ये है कि एक 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 अच्छी सी लाइफ बसर करने के लिए, प्रभु के पीछे पीछे चलने के लिए हमें सीजलेसली काम करना है, सीजलेसली, खा वो प्रे है, खा वो वर्ड ऑफ गॉड है, खा कुछ भी है, सीजलेसली। सो आवर वार शुड बी ऑन नीज़। गॉड ब्लेस यू।